मेरा जी चाह रहा था कि उस दरिंदे का मुंह नोच लूं, पर क्या करती, मजबूर थी। तुम फिक्र मत करो, पुलिस ऐसे लुच्चे लफंगों से निपटना अच्छी तरह जानते हैं। तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है मेरे उससे। मुझे अपने लिए डर नहीं लगता, मगर अरे मेरे तो भाग जाग गए एसपी साहब। आइए आराम से बैठे बैठे। वही वो मुझे मोहल्ले के नंबरदार ने बाजार में ही आपके आने की इत्तला करवाई, तो मैं सारे काम वाम छोड़ के चला आया। शुक्रिया। मैं दरअसल आप लोगों को असलम के बारे में बताने आया था। उसकी मौत के बारे में तो आप लोगों को पता चल ही चुका होगा। हाँ, पता चल गया था। काश कि वो जिंदा पकड़ा जाता तो मेरे बेटे के दामन पे लगा था, शायद टूट जाता। इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा। वैसे इब्तदाई तफ्तीश से तो यही पता लगा कि जीवन का असलम या उसके ग्रोह के साथ उठना बैठना नया था, ज्यादा पुराना नहीं था। जरूर उसे सब बाग दिखाकर अपने साथ शामिल कर लिया उन्होंने। मेरा बेटा बहक गया था जनाब, और ऐसे न जाने कितने नौजवानों को उन जालिमों ने बहका कर अपने मुजरिमाना धंधों में शामिल किया होगा। सही कह रहे हो, इसका भी पता लग जाएगा इंशाल्लाह। ओहो, मैं तो बातों में भूल गया, बेटी ससी तुमने एएसपी साहब को कोई चाय लस्सी का पूछा भी है कि नहीं? मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं 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 नहीं, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, मैं चलता हूँ। मैं बस आप लोगों को इत्तला देने आया था। मैं इतनी बुरी चाय भी नहीं बनाती। अगर मुझसे तारीफी सर्टिफिकेट लेना जरूरी है अपनी चाय का तो पिला दे, लेकिन जल्दी। बस अभी लाई, 5 मिनट में। वैसे भी थाने की बदमदा